हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत फेमस प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी की, और ये शायद एनसीईआरटी में भी दे रखी है। दो बॉल्स हैं, एक बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप की जा रही है, ड्रॉप कर दिया जा रहा है एक बिल्डिंग की हाइट, जिसकी एच दे रखी है बिल्डिंग की हाइट की वैल्यू, और दूसरी एक बॉल है जिसको बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम से या ग्राउंड से यू स्पीड से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। तो दो बॉल हो गई, एक डाउनवर्ड चल के आ रही है और एक अपवर्ड जा रही है। जो डाउनवर्ड है वो रेस्ट से ड्रॉप की गई है, जो अपवर्ड है वो यू वेलोसिटी से फेंकी गई है, और बिल्डिंग की हाइट एच दे रखी है। तो हमको बताना है कि व्हेन एंड वेयर द बॉल्स मीट, व्हेन एंड वेयर बोथ द बॉल्स मीट, कब मिलेंगे और कहाँ पे मिलेंगे। वेयर कहाँ पे मतलब एच के रेस्पेक्ट में आंसर बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी में जो कल हम लोगों ने किया था उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। दो बॉल्स हैं, इन जनरल बात करते हैं, यू वन और यू टू, ग्राउंड से फेंकी जा रही है, यू वन है यू टू, दोनों फेंकी जा रही है मतलब ग्राउंड से। अब जो भी बॉल एयर में चल रही है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, चाहे वो डाउनवर्ड चले चाहे अपवर्ड चले, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर चल रही है, वो फ्री फॉल कर रही है। हमको मालूम है फ्री फॉल करने वाली बॉल का एक्सलेशन जी होता है, तो दोनों बॉल का एक्सलेशन हमने जी ले लिया। अब बॉल की वेलोसिटीज अलग अलग है, यू वन और यू टू, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 20, 10, कुछ भी ले ली, बट एक्सलेशन तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, जी होगा। कल मैंने आपको रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन बताया था। अगर आपने ना देखा हो वो वाला वीडियो तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। दो बॉल्स हैं ए और बी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले एक्सेलेरेशन निकालते हैं। दोनों बॉल फ्री फॉल कर रही हैं, फ्री फॉल करने वाली दोनों बॉल्स, चाहे वो अपवर्ड चलें चाहे डाउनवर्ड चलें, एक्सेलेरेशन दोनों का जी है। तो अगर हम रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालें, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो होगा रिलेटिव एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम बी के फ्रेम में ए को देख रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जर्वर है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी, तो जी माइनस जी, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन जी है, तो जी माइनस जी कितना आएगा, जीरो। इसका मतलब है कि दो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फ्रेम में कोई एक्सेलेरेशन नहीं रखते। जब कोई एक्सेलेरेशन नहीं होता तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आके मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूं और मैं उसको बोलूंगा तीन बार, क्या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फ्रेम में, एक के अपने फ्रेम में दूसरे का अगर मोशन देखें तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के फ्रेम में या अपने फ्रेम में एक दूसरे को अगर देखें तो वो यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का जो रिलेटिव मोशन होता है एक दूसरे के फ्रेम में, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है विदाउट एनी एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, यू वन माइनस यू टू, एक्सेलेरेशन जीरो है, वेलोसिटी यू वन माइनस यू टू कॉन्स्टेंट है। तो इनके बीच में जो सेपरेशन होगा, मान लीजिए ए और बी दोनों ग्राउंड से स्टार्ट करें तब सेपरेशन जीरो था, तो अब इनके बीच में सेपरेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, भाई बी तो देखिए रुका हो गया स्टेशनरी, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्स इटसेल्फ एट रेस्ट, ए उसके रेस्पेक्ट में यू वन माइनस यू टू मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो एक सेकंड में अगर वो यू वन माइनस यू टू मीटर चला तो टी सेकंड में कितना चलेगा, तो टी सेकंड में चलेगा यू वन माइनस यू टू मीटर पर सेकंड इंटू टी सेकंड, यानी कि यू वन माइनस यू टू इंटू टी। तो ये गैप हो गया, ये u1 minus u2 velocity हो गई और relative acceleration तो zero हो गया। अब इस चीज को इसी जो freely falling balls वाला question था इसमें लगाते हैं, दोनों बॉल का relative acceleration यहाँ पे भी zero होगा। अब आते हैं relative velocity, भाई ये वाली बॉल तो zero से है, ये वाली बॉल u से चली आ रही है, तो दोनों की जो relative velocity होगी, मैंने बताया था कि कल अगर स्ट्रेट लाइन में दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करें तो v1 plus v2 होता है, तो u plus zero relative velocity हो गई u। अब रिलेटिव वेलोसिटी यू का मतलब क्या है, कि ए को जो नीचे वाली बॉल है उसको लग रहा है कि बी वाला उसकी तरफ यू से चला रहा है, डाउनवर्ड यू से चला रहा है और कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, लगातार यू से चला रहा है यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ, और बी जो है जब तक ए को अप्रोच नहीं कर लेगा, पूरा नीचे एच तक नहीं चलाएगा, तब तक ए के फ्रेम में बी ने उसको मीट नहीं किया। तो देखिए, ए तो रुका हो गया, स्टेशनरी हो गया, बी को पूरा एच चल के आना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ मीटिंग जो हमें पूछा गया था, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस कितनी एच, स्पीड कितनी यू, तो टाइम ऑफ मीटिंग कितना हो गया, एच अपॉन यू, यही आंसर है, यही आंसर है हमारा। इन दोनों बॉल को मिलने का जो टाइम होगा वो होगा एच अपॉन यू। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन से हम लोगों ने निकाल लिया, जबकि एक्चुअल में दोनों बॉल के मोशन
एक्सेलरेटेड थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड थे, दोनों का एक्सेलरेशन जी था, पर हमने यूनिफॉर्म मोशन से दोनों बॉल्स को मिलने का टाइम निकाल लिया एच अपॉन वो। अच्छा, मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था वेन एंड वेयर, कहाँ मिलेंगे? तो देखिए, ऊपर से कुछ नीचे की तरफ कितनी डिस्टेंस, तो ऊपर वाली बॉल नीचे आ रही फ्री फॉल, तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो जरूर जरूर रख देंगे, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये देखिए एच इज इक्वल टू, जो मैंने क्लास में कराया था तो ये लिखा भी था साफ साफ, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस ऊपर से, मतलब जहां से ये बॉल गिराई गई, तो हाफ जी टी स्क्वायर में टी की जगह क्या रख देंगे, एच अपॉन यू रख देंगे, तो हाफ जी मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन यू का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगी जो ऊपर वाला पॉइंट है। अगर आपको ग्राउंड से बताना है कि कितनी डिस्टेंस मिलेंगे, तो भाई पूरी डिस्टेंस एच है, तो एच में से वो चीज हटा दीजिए, वो वैल्यू जो ऊपर से आई है, तो आ जाएगी लोकेशन जहां पे दोनों बॉल मिलेंगी। तो हमने रिलेटिव मोशन का यूज करके दोनों बॉल्स के मिलने का टाइम भी निकाल लिया और लोकेशन भी निकाल ली, ग्राउंड से भी निकाल ली, अपर मोस्ट पॉइंट से भी निकाल ली। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।